स्क्वेयर्स सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्प्लिट्स एंड्स के ऊपर। गाइस, जिसके दो मुंह के बाल होते हैं उसको स्प्लिट्स एंड्स कहते हैं, एंड वो हम कैसे कट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आए जिसके स्प्लिट्स एंड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हेयर के अंदर, देखिए गाइस, मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ लेकिन इतने ज़्यादा विजिबल कैमरे में नहीं हो पा रहे, बट इनके बहुत ज़्यादा स्प्लिट्स एंड्स हो रहे हैं। ओके, अब मैं इसको आपको बहुत ही इजी हेयर कट बताऊँगा जिससे आप प्रॉपर तरीके से इनके बिल्कुल दो मुँह के बाल बिल्कुल कट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने प्रोफाइल का सेक्शन लिया, फिर रेडियल सेक्शन लेंगे जैसे कि ऐसे, और हम रेडियल सेक्शन को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम बैक साइड से एक फाइन सा सेक्शन निकालेंगे। फाइन सेक्शन निकालने के बाद उसको टक करेंगे। टक करने के बाद, और हाँ गाइज, ये हमें कट जो करना है वो ट्रिमर से करना है। अगर आप सीजर से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम नहीं कहूँगा गाइज मैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ट्रिमर से। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा ऐसे, सबसे पहले आप टू पार्टीशन कर लेंगे एंड इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए गाइज, ये जितना भी ऊपर के हेयर हैं हम नीचे की साइड उनको करेंगे हल्का हल्का सा, ठीक है गाइज, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। और लास्ट में आपको कॉम करके दूसरे सेक्शन पर आ जाना है। ये देखिए, ऐसे फोल्ड करना है जैसे मैं यहाँ पे फोल्ड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ फैदर करना है। ओके, करने के बाद ट्रिमर को आराम आराम से जितने भी हमारे अनइवन हेयर ऊपर आए हैं वो सारे के सारे कट कर देने हैं, और ऐसे कट कर देंगे। गाइज, ये बहुत ही इजी तरीका है स्प्लिट्स एंड्स को कट करने का। ये देखिए, फाइन सा सेक्शन लेंगे, इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब देखिए गाइस, मैं इसको ऊपर की साइड फैदर करूँगा। करने के बाद जहाँ जहाँ भी बाल ऊपर आए हैं हल्के हल्के, और उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से ट्रिमर से कट कर दूँगा। गाइस, जब आप ट्रिमर चलाएं तो बहुत ही केयरफुली चलाएं, एंड ट्रिमर काफ़ी बार हेयर पे टच हो जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर आप नॉर्मली चलाएँगे तो कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसको जैसे मैं चला रहा हूँ थोड़ा फास्ट ऐसे चला सकते हैं। ये देखिए गाइस, गाइस इससे क्या होगा, आपके प्रॉपर स्प्लिट एंड बिल्कुल निकल जाएंगे और आपको कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सा क्या होता है, जब हम हेयर कट कराने जाते हैं स्प्लिट एंड का, तो वो बेसिक यू या स्ट्रेट कट कर देते हैं जिससे कि हमारे प्रॉपरली निकल नहीं पाते। लेकिन प्रॉपर तरीका स्प्लिट एंड्स को रिमूव करने का यही है। आपने देखा बहुत ही इजी तरीका है। ऐसे गाइस, बैक साइड से सेक्शन निकालिएगा फाइन फाइन, और उसको फोल्ड करिएगा जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड फैदर करेंगे हेयर को, एंड जितने भी हेयर हैं इन सबको कट कर देंगे। गाइस, एक बात का ध्यान रखिए, मैं बिल्कुल मीडियम लेंथ पर ट्रिमर को चला रहा हूँ, पूरी लेयर पे नहीं चला रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, एंड लास्ट में हल्का सा एंड्स पे से आप कट कर देंगे ट्रिमर से। आई होप गाइस ये आपको भी वीडियो समझ आ रहा हो। अगर किसी ने गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लें। बहुत ही ईजी तरीका है गाइस स्प्लिट एंड का हेयर कट करने का। ऐसे ही आप प्रॉपर, थोड़ा टाइम तो लगता है गाइज, लेकिन इसमें प्रॉपर हमारे दो मुँह के बाल बिल्कुल कट हो जाते हैं जिसको हम स्प्लिट्स एंड्स बोलते हैं। ओके, ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन निकालेंगे, फाइन फाइन सेक्शन निकालेंगे, ज़्यादा हैवी सेक्शन मत लीजिएगा, ठीक है। जितना मैं यहाँ पे सेक्शन ले रहा हूँ ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड फैदर करेंगे हेयर को, और हल्का हल्का सा जो ये निकले हैं और इनको अच्छे से कट कर देंगे। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर लास्ट में एंड्स हल्का सा हम कट कर देंगे जैसे वो प्रॉपर तरीके से रिमूव हो जाए। ऐसे ही हमें फुल हेयर कट करना है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हेयर कट से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू, एंजॉय माय वीडियो, बाय बाय।